और डेयर स्टोरी कैसे हुई तो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डे शर्ट आ गई हुई है, ठीक है, पार्ट टू की बात हो रही है। अब ये डे शर्ट उम्मीद तो है कि रिवाइज़ हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी पेपर में छुट्टी ना हो। लास्ट टाइम भी जब इन्होंने 20 जुलाई को पेपर जो है डे शर्ट अनाउंस की थी, तो उसमें भी पास स्टडी में छुट्टी नहीं थी। उसको देखते मैंने कहा था कि डे शर्ट गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, हर पेपर में इस लेवल पर एक छुट्टी होती है, ठीक है। और पार्ट वन की अभी तक डे शर्ट नहीं आई, उम्मीद है कि रिवाइज़ हो जाती है। लेकिन बच्चों इन केस अगर रिवाइज़ नहीं होती तो तब भी हम रेडी रहेंगे तैयारी करने के लिए। तो बच्चों हमारे पास देखें ना 21 से लेकर 4 जून तक काफ़ी टाइम पड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 31 का महीना है, तैयारी आपकी हो जाएगी, आपको हर चीज़ में तैयार रहना। अगर कोई आपको टीचर ये कह रहा है ना कि पेपर छोड़ दो अभी नहीं है तो आप नेक्स्ट में करना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपने फ़ीस भर दी है पंजाब यूनिवर्सिटी को, आप पेपर छोड़े, इसका मतलब है कि आपके पास इतने फजूल के पैसे पड़े हुए हैं, आप उसको ज़ाया कर रहे हो। तो जो एक चीज़ आप इजीली जो है कम वक्त में तैयारी करके पास हो सकते हो, तो फिर इसको छोड़ना कैसे है। अब इंशाल्लाह जो है ना, ये वो कैटेगरी है जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो इसलिए इनके लिए हम स्पेशल क्लासेज रखेंगे। अभी ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कुछ शेड्यूल इस तरह से है, लेकिन अब बच्चे परेशान हैं तो हमने इनकी परेशानी को ख़त्म करने का ये एक मेथड ढूंढा है। जिन्होंने पढ़ना है वो आज से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। इसमें बच्चों आपकी कॉस्ट, आपकी एडवांस और आपका टैक्स, और जिन बच्चों की बीए इंग्लिश है उसमें हम आप लोगों को सिलेक्टिव तैयारी करवाएंगे। इसमें लाइव क्लास भी होगी, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर भी देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इसमें आपको गेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मुकम्मल तैयारी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। सिर्फ कहा नहीं जा रहा, काम करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी ऐन वक्त पर ना बहुत से टीचर्स देख भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स ने क्या करना है, तंग करना है। तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, और ये आपके 15 जून तक स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेंगे, पेपर देने के बाद ही फ्री होंगे। अगर डे शर्ट रिवाइज़ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होती तब भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, तो इसकी आप टेंशन मत लें। ये तो मैंने बता दिया, गैस पेपर भी जाहिर सी बात है, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि तैयारी जो है ना साथ साथ कर लें, आपको याद होगा हर वीडियो में। अब इसमें क्या है कि बच्चों यहाँ पर बना है फीस पैकेज, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दो पे, उसके हिसाब से आपको पैकेज पे करना होगा, और ये फिक्स है। आपको ये अगर स्टूडेंट कहता है कि सिर्फ 15 दिन रह गए हैं तो वो हो गया है, आपने इस वीडियो में कहा था, तो ऐसे किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा और डायरेक्टली उसका नंबर कर दिया जाएगा ब्लॉक। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको सिर्फ पढ़ने से गर्ज है, उन्होंने पास होना है, वो कभी भी इस किस्म की एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे। अब बहुत से बच्चे मैंने बताया ना पार्ट कम्बाइन भी कर रहे हैं, कम्बाइन की फ़ीस उन्होंने 22,000 भरी है, और एक बच्चा जिसने बीकॉम पार्ट वन का लेट की फ़ीस की 24,000 खोली। इन दोनों ने बुक्स तक नहीं खोली, अब इन्होंने बुक्स तक नहीं खोली, और जैसे कि डेट शीट आई है तो ये कंफर्म है इनकी सप्ली आनी ही आनी है। तो सप्ली आने की सूरत में जो फ़ीस आपने भरी है सारी ज़ाया हो गई है, ठीक है। तो बेहतर यही है, अगर आप लोग बीकॉम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बार बार सप्ली भी अफोर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बार बार सप्ली ना अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पर आपकी जो भी बहस करेगा फ़ीस के मुताबिक, ये सब जो है आप झूठ बोल रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। इस लेवल पे बीकॉम पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो बच्चा सिंपल सी भी बहस करेगा ना कि ये वो है, तो उसका नंबर डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम पे आ रहे हैं, आपको तैयारी करवानी है, आपको टाइम देना है, तो ये फ़ी आपको उतनी ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, इसलिए यहाँ पर मैसेज करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना आप लोगों ने कि पढ़ना है, जो पढ़ने वाला होगा वो तो करेगा ही करेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला होगा उसके ये ड्रामे होंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले ना होते उनके मैसेज के आप किस स्टाइल से पता चल जाता है, क्योंकि जिसने पढ़ना होता है उसके एक ही मैसेज में सारी बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसने पढ़ना है आज से ज्वाइन करें, टाइम नहीं है, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, तो तैयारी करें। डेट रिवाइज़ होगी, अच्छी बात है, नहीं भी होता भी रेडी है पेपर देने के लिए।